खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं। शहीद होने वाले जवानों में से 20 जवान यूपी के ही हैं। यूपी के आगरा के रहने वाले शहीद कौशल का परिवार भी बदला मांग रहा है। शहीद कौशल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी कह रही है, कोई माँ अपने बेटे को मरने के लिए जन्म नहीं देती। दुश्मनों को भी पता लगना चाहिए कि दर्द होता क्या है। पत्नी ममता का रो रो कर बुरा हाल है। बहन की आंखों के आंसू थम नहीं रहे। माँ समझ नहीं पा रही कि उसका लाल कहाँ चला गया। ये उस शहीद के परिवार का दर्द है जिसने अपना सब कुछ पुलवामा हमले में खो दिया है। शहीद कौशल रावत आगरा के करही के रहने वाले थे। बेटी अपूर्वा माँ को चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता को जो दर्द मिला है उससे निकलने में उन्हें वक्त लगेगा। परसों हमारी बात भई थी रात को 9-10 बजे और कल सवेरे वहाँ से 5 बजे रवाना भाई कान भाई में। बाकी बाद हमारे पास 3 बजे फोन आया और बटालियन में थे, पहली में थे। नंबर मांगो, हम पे नंबर नहीं है तो भैया तो ही मैंने फोन काट दो, 2 घंटा पीछे बात करेंगे। फिर मेरे बच्चे ने बताई है भैया वहाँ तो, पर भैया जो हमारे संग करो भगवान ने जो भी इनके संग तो जरूर करना चाहिए। शहीद की माँ कह रही है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले, उनसे बदला ले जिनने हमारे बच्चों की जान ली है, बस और कुछ नहीं चाहिए। मोदी से हमसे यही कहना है बस। बेटी कह रही है कि जो दर्द हमारे परिवार को मिला वही दर्द आतंकवादियों को भी मिलना चाहिए ताकि इसका एहसास उन्हें भी हो सके। मुझे तो बस इतना कहना है, जो हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ है और बाकी लोगों के साथ हो उसका बदला लिया जाना चाहिए। आज मेरी मम्मी रो रही है, बाकियों की फैमिलीज भी रो रहे हैं। पता चलना चाहिए उन लोगों को कि दर्द क्या होता है। जब से शहादत की खबर गांव वालों को मिली तब से यहां लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हर कोई परिवार को ढांढस बंधा रहा है। शहीद कौशल के भाई कमल किशोर रावत कहते हैं कि 40 का बदला 400 से लेना चाहिए। हमारे 40 मरे तो 400 मरनी थी, बदला कैसे लिया जाएगा? ऐसे जवान शहीद होते रहेंगे तो क्या फायदा। साल 1991 में CRPF ज्वाइन करने वाले शहीद कौशल का तबादला सिलीगुड़ी से कश्मीर हुआ था। 12 तारीख को ज्वाइन करने पहुंचे थे। घर में एक बेटी और 2 बेटे हैं।